हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। तो देखिए, पहले इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई पॉलीनोमियल लीनियर होता है तो ग्राफ पर उसमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलती है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो आप पहचान सकते हैं कि वो जो पॉलीनोमियल है वो आपका लीनियर है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ग्राफ को देख के पहचानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करने के बाद में हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए x और y को टेबल बनाते हैं। तो ये x और ये y, तो यहाँ पर एक एक करके x की वैल्यू अपनी साइड से लेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन में रख के निकालेंगे। जैसे निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू पहले रखते हैं, x की वैल्यू 1। तो 1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू आती है 0। फिर यहाँ वैल्यू रखते हैं 2, रखते हैं 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 8 माइनस 8 और ये 7, 7 माइनस 8 मीन्स माइनस 1, ये वैल्यू आपकी माइनस 1, y की वैल्यू माइनस 1, फिर 3 रखी है इसमें, x की वैल्यू 3, तो यहाँ 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 3, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 तो ये 0, तो अगेन इसकी वैल्यू 0। फिर यहाँ 4 रखिए, तो यहाँ 4 रखते हैं, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, 4 जा 16 प्लस 3, प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल, ये हुआ 3। तो ये आपकी टेबल निकल के ही, तो देखिए यहाँ क्वाड्रेट मिले हमको 1 0 2 माइनस 1 3 कॉमा 0, इसको रब कर देते हैं और यहां वैल्यू हुई 4,3। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स यहां से निकल के आते हैं। अब यहां पर इस इन क्वाड्रेंट की हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इन क्वाड्रेंट्स को मैं यहां अलग से लिख लेता हूं, 1 0 2 माइनस 1 3 0 एंड 4 3। तो अब से रब कर देते हैं, तो देखिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये एक्स डैश, ये आपका वाई और वाई डैश, वैल्यूज लेते हैं यहां, तो ये 0 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, प्लस में वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे माइनस वाई 1 2 3 4 5 6, एक एक करके क्वाड्रेंट्स यहां से पुट अप करते हैं। तो 1 0, तो देखिए x की वैल्यू 1 फिर 0, तो ये आपका यहीं पर, इसको हम मार्क करते हैं a, तो ये हमारे क्वाड्रेंट हो गया 1 0। उसके बाद देखिए 2 माइनस 1, तो ये 1 2 2 माइनस 1, ये आपका यहां हुआ, इसको मार्क करते हैं b, 2 माइनस 1। उसके बाद 3 0, तो देखिए 1 2 3 3 0, ये यहीं पर है, c 3 कॉमा 0। नेक्स्ट 4 3, 1 2 3 4 और 4 ये और 3 ऊपर, देखिए 1 2 3, तो बिल्कुल यहां से, ठीक है यहां से, ठीक है इसे मार्क करते हैं d, और इसके क्वाड्रेंट होते हैं आपके 4 कॉमा 3। अब से ग्राफ बनाते हैं हम इसका, तो देखिए इसे फ्री हैंड जॉइन कराते हैं। तो देखिए ये, उसके बाद ये जॉइन कराया, उसके बाद c को d से जॉइन करा दिया ऐसे। तो देखिए जो हमारा ये जो ग्राफ है एक पैराबोलिक पाथ में आता है,
तो अगर कहीं पर आपको किसी पॉलिनोमियल में किसी ग्राफ में अगर ये पैराबोला टाइप की शेप दिखती है तो हम इससे कहते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सीधे सीधे है कि अगर किसी ग्राफ में अगर पैराबोलिक शेप दिखती है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ग्राफ को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये जो है इस शेप को देख के पहचान सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लीनियर है या किस टाइप का है। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ। आगे नेक्स्ट में एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू।